हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट 40 डेज आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी टाइम टेबल आपको कंप्लीटली सक्सीड नहीं दिला सकता अंटिल आप उसके पीछे हार्डवर्क ना करें। और मैं यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप 40 डेज में क्वालिफाइड कर लें। ये ट्रुथ है, फैक्ट है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 40 डेज में आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। जनरली होता यह है कि यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो 90% स्टूडेंट्स काफ़ी कम टाइम देते हैं एग्जाम्स की वजह से। और यही रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न कि क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, या वो फिर जीआरएफ के लिए क्वालिफाइड नहीं कर पाते। और जो जीआरएफ के लिए क्वालिफाइड नहीं कर पाते, उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो 2-3 बार नेट है पर जीआरएफ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उसके लिए वे ही जिम्मेवार होते हैं। देखिए, नेट की सबसे बेस्ट बात बताऊँ क्या है, ये है कि इसका जो सिलेबस है ना वो सेम ही है। आपने पिछली बार दिया होगा, सेम ही सिलेबस है। आपकी बार भी सेम ही है, लिमिटेड सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स आ रहा है, पता ही नहीं है कि कहाँ से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आ जाए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, ये पता ही नहीं है। ऐसा तो है ही नहीं। आपको पता है, आपको हर यूनिट, आपकी 20 यूनिट्स है पेपर 1 एंड पेपर 2 की मिलाकर, आपको हर यूनिट का पता है कि हर यूनिट में कितने टॉपिक्स हैं। बट अगर आप उन्हें अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, और 150 क्वेश्चंस जिसमें आपकी नो नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको 150 क्वेश्चन जो आते हैं वो सिलेबस से ही आते हैं, सिलेबस से ही आते हैं। बट अगर आपने अच्छे से टॉपिक्स नहीं पढ़े, एक तो लिमिटेड सिलेबस है और उसके बावजूद भी आप उन्हें इन डिटेल में नहीं पढ़ते, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे एक सजेशन है उनके लिए जिनका अटेम्प्ट हो चुके हैं या कई अटेम्प्ट से वो नेट नहीं कर पा रही या जीआरएफ नहीं कर पा रहे, तो उन्हें सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि हम क्यों, कहाँ पर हम जो है लैग कर रहे हैं और कहाँ पर हमारी गलती हो रही है। जब हम वही चीज़ें बार बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही 20 यूनिट्स हम हर बार पढ़कर एग्ज़ाम देते हैं, तो कहाँ पर हमारी गलती हो जाती है? क्या हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, या हम उतना ही टाइम नहीं दे पाते हैं, या हम सिर्फ वही गलती कर रहे हैं? अगर मान लीजिए आपने लास्ट अटैम्प्ट में जैसे अपनी तैयारी करी थी, आप वैसे ही उसी मेथड से उसी तरीके से उतने ही दिन उतने ही घंटे अगर आप अभी भी दे रहे हैं, ठीक है, या आप अब की बार भी इतने ही टाइम देना चाहते हैं, तो आप देखिए कि मे बी एग्ज़ाम्स को मोर टाइम की नीड्स हो, मे बी आपको कुछ और नया करने की ज़रूरत हो। देखिए, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप 1000 वीडियोस देख लीजिए, मैं आपको कहता हूँ कि आप 1000 वीडियो देख लीजिए, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि सॉल्यूशंस आपके ही पास है। आप अगर फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। देखिए, एनालिसिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैंने सिंपल सा 6 वीक्स का एक टाइम्स टेबल शेड्यूल बनाया है जो कि उनके लिए सुटेबल है, जो कि 7 से 8 घंटा स्टडी करने के लिए तैयार है। अगर आप इफ़ यू आर रेडी टू स्टडी फॉर 7 to 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स का मतलब ये नहीं होता कि कंटिन्यूसली, ठीक है, आप विद ब्रेक के साथ ऑब्वियस आप करें, बट आपको दिन के 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशंस नहीं है, या आपने बहुत ब्रेक लिया है, ठीक है, आपने पहले कभी प्रिपरेशंस करी थी बट कई मंथ से नहीं करा, जब भी आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 वीक्स हैं, यानी कि 40 डेज आपके पास है, दोनों पेपर आपको लेकर चलने हैं। देखिए, इन्हें मैंने 6 वीक्स में डिवाइड किया है। हर वीक में 5 डेज मैंने लर्निंग के लिए रखे हैं और जो हैं 2 डेज रिवीजन के लिए रखे हैं। यहाँ पर 1 या 2 डेज आप रिवीजन करें, ठीक है। यहाँ पर आप वो एग्जाम्पल आप जनरल पेपर लेकर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट बनाए हैं जो कि पेपर 1 में आपको सिमिलर लगेंगे,
यानी कि अगर आप उन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे या एक वीक में लेकर चलेंगे तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। जैसे टीचिंग और कम्युनिकेशंस आप एक साथ लेकर चल सकते हैं, उसकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, यानी कि एक ही वीक में आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट विद यूनिट वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पेपर टू के लिए कॉमर्स लिया है, 3 days फॉर टीचिंग, 2 days ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मे बी आपको थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है, बट जो टाइम है, ठीक है, ये जो मैं पॉसिबल टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास अगर अपना प्लान है तो आप उस पर ही स्टिक रहिएगा। ठीक है, और 1 day फॉर रिविजन आप रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक आप रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये ले सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में आप अगर आप थोड़े से पैसेज अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी इनफ रहेगा, क्योंकि इतने हार्ड लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता नहीं, इतना लेंथी आता नहीं। वहीं आप यूनिट सेकेंड वीक ऐसे यूनिट ले सकते हैं, एक यूनिट ऐसी ले सकते हैं जो लार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉमर्स के सिलेबस की, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट सेकंड थोड़ी लार्ज है वहाँ पर, तो वो यूनिट ले सकते हैं और एक छोटी यूनिट ले सकते हैं। देखिए, डिफिकल्ट हो जाता है एक वीक में इतना कुछ कवर करना। ठीक है, बट क्योंकि कवर तो आपको करना होगा कंप्लीट सिलेबस, विदाउट कंप्लीट सिलेबस कवर, ठीक है, आपकी अगर आप सोचते हैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट से ही निकल जाएगा नेट, तो देखिए मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे ऐसे स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओनली प्रैक्टिस सेट्स ले लेते हैं, टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बिलीव है कि जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो आप 150 क्वेश्चन आंसर्स सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप थर्ड जो है सेकेंड वीक में आप ऐसे सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें 5 days टू रिसर्च को आप दीजिए, 1 day फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी है, 4-5 प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज ऑल ऑन वीकेंड करें। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पर आप ले सकते हैं थर्ड वीक में। ठीक है, जिसमें 3 days DI को दें और कम से कम 25 DIs प्रैक्टिस करें। 25 DIs में हर DIs में आपके 5 questions होते हैं, 25 DIs भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अगर आपका जो बेसिक ऑफ मैथ है वो क्लियर है तो आसानी आपके लिए होती है। ठीक है, और मैथमेटिकल रीजनिंग को आप 3 days मैथमेटिकल रीजनिंग को दे सकते हैं। जितने अर्थमेटिक मैथ के टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड लेवल के तो नहीं आते हैं, बेसिक टाइप के ही आते हैं। फिर आप नेक्स्ट वीक लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, यानी कि आप जो है फोर्थ वीक, ठीक है, आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझने की भी ज़रूरत है और कुछ टॉपिक्स आपको रटने की भी ज़रूरत है, आपको क्रम करने की भी ज़रूरत है। तो इसे 6 days दें और 1 day रिविजन। इसके साथ आप यूनिट्स जो हैं, जो भी आपकी यूनिट्स हैं यू पेपर टू के लिए, वो साथ साथ आप रख सकते हैं। फिर ICT एंड हायर एजुकेशन लेकर आप चल सकते हैं नेक्स्ट वीक, यानी कि 5th वीक। ठीक है, जिसमें आप, ठीक है, 5 to 6 days में आप इसे भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, ICT एंड हायर एजुकेशन को। इसका सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं है, प्रैक्टिस करके चले क्वेश्चन, और अगर आप ICT और हायर एजुकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। फिर आपका पीपल एंड इन्वायरमेंट आता है, पीपल एंड इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स का पार्ट और आ जाता है, वो भी आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि पीपल एंड इन्वायरमेंट में आप बेसिक टाइप क्वेश्चंस नहीं आते, तो जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, वो सभी अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। 5 to 6 days इसे लेकर आप चल सकते हैं, आपके 40 days आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 6th, ठीक है, आपका 6th तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे 40 days। अगर आपका एग्ज़ाम बाद में हुआ, अगर आपका एग्ज़ाम 6th से स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपके पास थोड़ा और टाइम मिल जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ सजेशंस हैं कि रिमेंबर यू हैव
टू गिव एटलीस्ट 7 to 8 hours डेली बेसिस, क्योंकि इससे कम में बात नहीं बनेंगी, ठीक है। वी मेड ए कॉम्बिनेशन, हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है कुछ सब्जेक्ट्स का जो कि आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, बट हमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट लगा पेपर वन के वो हमने आपको सजेस्ट किए हैं। नॉट इफ ऑलरेडी डूइंग प्रिपरेशन फ्रॉम लास्ट 1-2 months इट विल बी ईजी फॉर यू टू फॉलो दिस टाइम टेबल। 2 months से कर रहे हैं तो आप 1-2 months से रेगुलर कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी ये हो जाएगा। 5 Sundays आपको इसमें मिलेंगे आगे वाले में, तो 5 Sundays का आप अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि संडेज में आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्लस आप रिवाइज तो आपको करना ही बहुत ज़रूरी है, तो रिवाइज करें आप एवरी संडे, ठीक है। इट जस्ट ए सजेशन, यू कैन स्टिक ऑन योर ऑन टेबल, यानी कि आप अपने प्लान अगर आपका कुछ है तो आप उस पर स्टिक रहिए, क्योंकि मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में कहा है वीडियो के कि अगर आप खुद को सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आप बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी बेस्ट नोट्स देख रहे हैं या प्रैक्टिस सेट्स देख रहे हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो लिंक्स हैं वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत कीजिए। डेफिनेटली आप जब मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलता ही मिलता है, और अपनी जो जहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, ठीक है, वो फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, और सिर्फ इम्पोर्टेंट पे ध्यान ना रख दें, ठीक है। जनरली ये कोई आपके कॉलेज या स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टिक कर लेंगे और वही एग्ज़ाम्स में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, सब कुछ पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम ईजी हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।